नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 से 4 फरवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि 1 फरवरी के दिन आप काफी मिलनसार व्यक्ति रहेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक भी रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय गुण रहेगा जिसकी वजह से लोग आपसे मित्रता भी करना चाहेंगे, बातचीत भी करना चाहेंगे और आपके साथ रहना भी चाहेंगे। इस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हर चीज आपके फेवर में है। बस एक समस्या और वो ये कि बीत चुकी घटनाएं आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएंगी कि वर्तमान आपका खराब होगा। आप अगर पिछली घटनाओं को याद ना करें 1 फरवरी को तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो गया वो गया, जो वर्तमान है उसका सामना करें। वर्तमान बहुत बढ़िया, प्यारा और सुखद है। जो निकल गया है उसका कंपैरिजन भी ना करें, तुलना भी ना करें वर्तमान से। हाँ, इतना जरूर करें कि पिछली घटनाएं अगर याद आती हैं तो उन गलतियों को भविष्य में या वर्तमान में नहीं दोहराना है, इसके बारे में कृत संकल्प जरूर हो जाए। 2 फरवरी को त्रिपक्षीय मामलों में असफलता का सामना करना पड़ेगा। आपका इस दिन व्यवहार बड़ा मृदुल रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको शक की निगाह से देख सकते हैं। इस दिन आप अपने कार्यों में या कार्य क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में किसी ऐसे शक का शिकार हो सकते हैं जिसमें दो चीजें यहां पर ध्यान से समझें, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो और ना हो। अब बात करते हैं हो की। अगर आपके ऊपर किया जा रहा शक बिल्कुल सही है तो आपको उस शक से निकलने का प्रयास करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोग आपके बारे में गलत विचार ना बनाएं, लोग आपके बारे में ऐसी बातें ना सोचें, क्योंकि सचमुच आपने गलती कर रखी है। और अगर आपने गलती नहीं करी है, आपके ऊपर किया गया शक बेबुनियाद है, बिना वजह है, तो आपको किसी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को ठीक से समझिएगा। अगर गलती आपकी है और आपने प्रयास नहीं किया तो गलती बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर शक गहराता जाएगा और आप फंसते चले जाएंगे। अगर गलती नहीं है और आपने ना गलती होते हुए भी बचने का प्रयास किया तो भी फंस जाएंगे। तो अगर गलती नहीं है तो प्रयास नहीं करना है, और गलती है तो प्रयास करना है। व्यापारिक मामलों में गंभीर निर्णय लेने के लिए 2 तारीख बिल्कुल अच्छी तिथि नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी दिन बढ़िया नहीं है। अपने आप को संयमित रखें। इस दिन अपने विचार दूसरों को बिल्कुल भी ना बताएं। 3 फरवरी के दिन आप एक सुखद समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवार की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से मिल सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है। इस दिन आपके घर में किसी मेहमान के आने की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। इस दिन आप प्रकृति प्रेमी रहेंगे, इसलिए प्राकृतिक चीजों में आनंद लेंगे। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियलनेस पसंद नहीं आएगी। आप अपने आप में बड़े ही सधे हुए व्यक्ति रहेंगे। सात्विक विचार आपके मन में रहेंगे, अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा ही समझने की भूल करेंगे। यहाँ पर मैंने भूल शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए सावधान रहें। जब दूसरे लोग आपके सामने कुछ दिखावा करें तो उनको समझने का प्रयास करें, और जब दूसरे लोग आपके सामने बिल्कुल प्राकृतिक रहने का प्रयास करें कि वे बड़े सीधे और अच्छे और भोले हैं, तो उनको अपनी बातें बिल्कुल भी ना बताएं। कुल मिलाकर 3 तारीख को आपके लिए सुनना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कहने के, इसलिए कम बोलें ज़्यादा सुनें। 4 फरवरी के दिन आपको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, धोखा भी दिया जा सकता है और आपका कोई काम बिगड़ भी सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया हुआ है पहले भी, उन पर बिल्कुल विश्वास वर्तमान में ना करें। दूसरे, अपने कार्य को स्वयं करने का प्रयास करें, दूसरों को इस्तेमाल करने की जरूरत 4 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे, 4 तारीख को अगर आपका कोई काम बिगड़ता है तो उस काम को वहीं पर छोड़ दें, स्टॉप कर दें, ब्रेक लगा दें, क्योंकि अगर उस कार्य को सुधारने का प्रयास आप 4 तारीख को करते हैं तो कार्य और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए शांत बने रहें, दिन को निकलने दें। दिन निकलने के साथ साथ समस्या भी खत्म हो जाएगी। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए 2 और 4 तारीख बिल्कुल भी बढ़िया तिथियां नहीं हैं। इन 4ों तिथियों में वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए 2 और 4 तारीख बिल्कुल अच्छी तिथि नहीं है। 1 और 2 बढ़िया है, सर्वोत्तम है। व्यापार की दृष्टि से भी 2 और 4 तारीख अच्छी नहीं है, 1 और 3 ही बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 1 से 4 फरवरी के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव अपने सुझाव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।